सभी प्राथमिक शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय शर्मा पुनः आप सबका स्वागत करता हूं NIOS के इस स्टूडियो में। आज की हमारी चर्चा का विषय है शिक्षण अधिगम विधियां, और शिक्षण अधिगम विधियों का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हम सब लोग परिचित हैं, व्याख्यान विधि। आज हम मेरी पूरी बातचीत इस व्याख्यान विधि पर ही केंद्रित होंगी। व्याख्यान विधि आज की इस चर्चा में हम लोग निम्न बिंदुओं पर विचार करेंगे कि सबसे पहले हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम शिक्षण कहते किसे हैं। दूसरा ये कि आप सब हमारी अपनी कक्षाओं में जब जाते हैं तो ये चिंता होती है कि हमारा शिक्षण बेहतर और प्रभावी कैसे बने, तो और उनको बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन सी मुख्य विधियाँ हो सकती है, कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, और इन तरीकों को मोटे तौर पर किस तरह से बांटा जा सकता है, और इसकी जो एक महत्वपूर्ण विधि है हमारे पास व्याख्यान विधि, जिसका ये हिस्सा इस पर केंद्रित होगा। सीखने और सिखाने की कई विधियाँ हैं जिसमें एक पारंपरिक विधि के रूप में हमारे पास है व्याख्यान विधि। सर, इसी व्याख्यान विधि को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इसको हम लोग उस रूप में देखते हैं। शिक्षण की विधियों पर जाने से पूर्व मुझे लगता है कि हम ये भी जानें, ये भी समझने का प्रयास करें आखिर हम लोग अधिगम कहते किसे हैं, सीखना किसे कहते हैं। जैसा कि सीखने की एक सामान्य परिभाषा है या कह सकते हैं सामान्य स्थिति है जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग व्यक्ति के व्यवहार में एक अपेक्षित परिवर्तन करना चाहते हैं, या जब व्यक्ति के व्यवहार में चाहा गया परिवर्तन हो जाता है या बदलाव हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में है। इस नाते हम ये भी समझ सकते हैं कि सीखना वस्तुतः एक समय और संदर्भ सापेक्ष प्रक्रिया है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण होती है ताकि हम शिक्षक साथी इस बात को जानें कि सीखना कभी भी हो सकता है, सीखना एक व्यक्ति का सीखना दूसरे स्थिति के संदर्भ में अलग भी हो सकता है, या एक ही स्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सीख भी सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सीखना एक सुविचारित, योजनाबद्ध एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की भूमिका बहुत सक्रिय होती है। सीखने की इस अवधारणा के बाद ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी बनता है कि आखिर हम लोग शिक्षण से हमारा क्या अभिप्राय है, शिक्षण क्या होता है। शिक्षण का जो एक सामान्य परिभाषा है या सामान्य अर्थों में हम शिक्षण के लिए अक्सर जानते हैं कि सीखने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं या उन्हें अन्य प्रकार से जो बच्चों को निर्देशित किया जाता है वो प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। और इस नाते चूँकि शिक्षण का सीखने से बहुत गहरा संबंध है इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया, यानी कि हर एक शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। साथ ही साथ शिक्षण की जो गतिविधि है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, वो सीखने में वृद्धि करती है, बच्चों के अधिगम में उसका बेहतर इस्तेमाल होता है, शिक्षण उसको बढ़ाता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि सीखना जो है वो टू वे प्रोसेस है। टू वे मतलब कि द्विध्रुवीय स्थिति है जहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में वैचारिक आदान प्रदान के साथ, आपस में बातचीत के जरिए, आपस में एक दूसरे के समझ के साथ समझ को और अनुभवों को साझा करके सीखते हैं, और एक प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार का एक कौशल भी है, एक प्रकार का एक प्रशिक्षण भी है। सीखना क्या है, शिक्षण क्या है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कारक हमारे पास बचता है, वो ये कि अक्सर इस बात की चिंता हमारे आप सब लोगों ने अपनी कक्षाओं में महसूस की होगी कि आखिर शिक्षण किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, शिक्षण को कौन कौन से स्थितियां प्रभावित करती है। तो शिक्षण हमेशा आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित होता है। शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है शिक्षक की समझ और उसकी परिपक्वता। आप सबकी समझ, आप सबकी परिपक्वता शिक्षण को बेहतर बनाती है। साथ ही साथ आप सब लोग जब अपनी कक्षाओं में जाते हैं और कक्षाओं की मांग के अनुसार विद्यालय आपकी जो कक्षा की जो गतिविधि है या विषयगत जो मांग है उसके अनुसार जब आप शिक्षण की विधियों का चयन करते हैं तो वो भी एक आपके शिक्षण को बेहतर बनाता है। शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए उसका भी ये एक बहुत बड़ा योगदान है। और एक शिक्षक के नाते ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये शिक्षण विधियों के या शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जाता है, वो ये कि आपको अपनी कक्षा में क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है। जब आप ये तय कर लेते हैं तो ये तीनों चारों स्थितियां आपके शिक्षण की प्रक्रिया को और बेहतर बनाती है और परिमार्जित करती है। एक शिक्षक के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों की तैयारी और उनके अनुभवों को किस प्रकार से विषय से जोड़ सकते हैं, ये एक समझ एक शिक्षिका में होनी चाहिए। हम सब साथियों में एक समझ होनी चाहिए कि हम बच्चे के अनुभव को किस तरह से हम लोग हमारे विषय के अनुभव के साथ जोड़कर देखें, ये जानना ये भी एक बड़ा कारक है जो कि हमारे शिक्षण की गतिविधि को प्रभावित करता है। सीखना क्या है, शिक्षण क्या है और शिक्षण किन किन कारकों से प्रभावित होता है, इन सबको समझ लेने के बाद ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर शिक्षण की एक मोटी सी अवधारणा क्या है जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ाती है कि हम प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को अपनी कक्षा में संचालित कर सकें। देखिए, शिक्षण विधि का सामान्य अर्थ, सामान्य जो आशय वो ये है कि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी ज्ञान की उस प्रक्रिया में आपस में एक दूसरे के साथ
बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मुहैया कराते हैं, एक दूसरे को स्थान उपलब्ध कराते हैं, ये कराना शिक्षण विधि कहलाता है। और शिक्षण विधि का जो उपयोग है वो बड़े संदर्भों में अगर हम देखें या व्यापक अर्थों में हम देखें तो हम ये पाते हैं कि इसके अंदर हम लोग अक्सर कई सारी पद्धतियों को, कई सारी योजनाओं को शामिल करते हैं। और दूसरे अर्थों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब प्रक्रियाएँ मिलकर ही शिक्षण विधि की तरफ बढ़ रही होती है, शिक्षण विधि के रूप में परिभाषित हो रही होती है। पर मूलतः जो भी प्रक्रिया आप अपनी कक्षा में इस्तेमाल करते हैं उस प्रक्रिया में तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण घटक हमारी शिक्षण की पूरी अवधारणा को स्थापित कर रहे होते हैं। इन तीन महत्वपूर्ण घटकों में शिक्षार्थी निसंदेह केंद्र में होना चाहिए। शिक्षार्थी की बड़ी भूमिका है, शिक्षक की भूमिका है। जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण उपागम है उसका फर्क भी यही है कि शिक्षक अपने आप को कहाँ रखे, शिक्षक अपने आप को परिधि पर रखे या केंद्र में रखे। तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि पूरी शिक्षण की अवधारणा में शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षक की भूमिका और विषय वस्तु की भूमिका, और तीनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, शिक्षार्थी, शिक्षक और विषय वस्तु, जब तीनों आपस में अपने अनुभवों के आधार पर रच रहे होते हैं, गढ़ रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक प्रभावी शिक्षण की तरफ हम शिक्षार्थी को बढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक प्रभावी शिक्षण अपनी कक्षा में कर पा रहा है। तो मोटे तौर पर ये तीनों बड़े उसमें काम आते हैं। इन तीनों की भूमिकाओं को के आधार पर ही हमारी शिक्षण विधियाँ तैयार की जानी चाहिए। और इन शिक्षण विधियों को हम लोग समझ के तौर पर, या यूँ कह सकते हैं, हम लोग इनको दो बड़े भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो जिसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम अक्सर अनुदेशात्मक शिक्षण का प्रतिरूप मानते हैं। दूसरा जिसमें शिक्षार्थी की भूमिका यानी विद्यार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इन दोनों ही स्थितियों में हमारे पास दो स्थितियाँ हैं। पहली ये जिसमें शिक्षक केंद्रित है, दूसरा जिसमें विद्यार्थी केंद्रित है। और शिक्षक केंद्रित होने के नाते उनकी अपनी अलग तरह से उसकी रचना व्यूहरचना की जाती है। शिक्षण विधियों को व्यवहारिक तौर पर दो भागों में बांटा, जिसमें पहला था हमारा शिक्षक केंद्रित, दूसरा हमारा विद्यार्थी केंद्रित। शिक्षक केंद्रित विधियों में मूलतः प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, निगमनात्मक विधि और आगमनात्मक विधि, ये चारों विधियाँ शिक्षक केंद्रित उपागम की स्थितियों में आती है। विद्यार्थी केंद्रित उपागम में हमारे पास खेलकूद की विधि है, परियोजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, खोज विधि है। ये मोटी मोटी विधियाँ मानी गई हैं जिसमें हम लोग ये मानकर चलते हैं कि शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित है। आज की जो पूरी बातचीत है उस पूरी बातचीत में शिक्षक केंद्रित विधि के एक लोकप्रिय जो हमारे पास उदाहरण है व्याख्यान विधि, हम लोग उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि अब तक आप ये समझ पाएँ, ये जान पाएँ कि दो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षार्थी केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। दोनों ही विधियों में पर्याप्त विभिन्नता है, दोनों ही विधियाँ अपने आप में कह सकते हैं कि बेहतर विधियों की तरफ बढ़ती हैं। अब कहाँ कोई दिक्कत हो सकती है, ये विषय वस्तु की मांग के अनुसार हम लोग तय करते हैं। तो शिक्षक केंद्रित विधि में हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, निगमनात्मक विधि है, आगमनात्मक विधि है। तो आज की जो पूरी बातचीत है, मैं अब इस अपने अगले वाले हिस्से में मैं व्याख्यान विधि पर, इस पर आप लोगों पर चर्चा करूँगा। व्याख्यान विधि इसलिए महत्वपूर्ण बनती है कि व्याख्यान विधि के अंदर जो चीज़ें अप्रत्यक्ष हैं, जो घटनाएं अमूर्त हैं, जो विषय हमारे पास अप्रत्यक्ष और अमूर्त हैं, उन घटनाओं को समझने का अभ्यास कराया जाता है। यानी कि अगर हम लोग पियाजे के संदर्भ में भी देखें तो हम ये मानकर चलते हैं कि जब शिक्षार्थी अमूर्त घटनाओं का चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी कि बड़ी कक्षाओं में, तो व्याख्यान विधि मूलतः बड़ी कक्षाओं की विधि है, जिसे हम लोग अक्सर कथन विधि के रूप में भी जानते हैं, या व्याख्यान, जिसमें हम चीज़ों को व्याख्या करते हैं, उस विधि के रूप में भी जानते हैं। इस तरह की विधियों में घटनाओं, विषयों, विषय वस्तुओं के वर्णन के द्वारा शिक्षार्थी को जो पाठ्यपुस्तक हमारे पास है, जो भी विषय वस्तु हमारे पास है, उसकी समझ विकसित की जाती है। पर इसका जो मूल जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि हम ये व्याख्यान विधि तब प्रभावी बनती है जब हम ये माने कि हमारा शिक्षार्थी, हमारी कक्षा का जो बच्चा है, वो अप्रत्यक्ष घटनाओं को और अमूर्त घटनाओं को वैचारिक रूप से पकड़ पाएगा। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम लोग अब ये एक बेहतर स्थिति जहाँ पर हम व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करें। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा छोटी कक्षाओं का है तो हमें इस तरह की व्याख्यान विधि का हम इस्तेमाल बहुत बेहतर रूप से नहीं कर सकते। तो व्याख्यान विधि इसके बारे में बताती है। व्याख्यान विधि को जब भी आप अपनी कक्षा में लेकर जाएंगे, मैं मानता हूँ कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में भी, और बहुत मोटे तौर पर ये व्याख्यान विधि का वर्चस्व रहा है, आज भी हम लोग देखते हैं हमारे पढ़ने और पढ़ाने के तमाम जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें व्याख्यान विधि की प्रमुखता होती है। तो व्याख्यान विधि के लिए एक शिक्षक की तैयारी क्या होनी चाहिए? एक शिक्षक को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उसका श्रोता कौन है, वो किन के लिए कार्यक्रम कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका उद्देश्य उसे पता होना चाहिए, क्या करने जा रहा है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है,
और कितने समय में इस काम को करेगा, इस पूरी गतिविधि को कितने समय में वो आयोजित या समायोजित करने की स्थिति में है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक शिक्षक के नाते आपकी ये भूमिका बन जाती है कि आप ये जाने कि आपका श्रोता कौन है, आपका व्याख्यान का उद्देश्य क्या है, आपकी आज की इस व्याख्यान की विषय वस्तु क्या है, और आपने इस पूरे विषय वस्तु को समायोजित करने के लिए, बेहतर रूप से अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए कितना समय का आपने आयोजन किया है। तो देखा जाए तो व्याख्यान विधि एक तैयारी की विधि है, आप इसमें बिना तैयारी के अपनी कक्षा में नहीं जा सकते। जब आप इन चारों चीज़ों को जानेंगे तब आप ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक व्याख्यान विधि के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। व्याख्यान विधि के बारे में जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना भी था कि व्याख्यान विधि मूलतः बड़ी कक्षाओं के लिए आती है, और बड़ी कक्षाओं के लिए इसलिए आती है जैसा कि मैंने बताया कि प्याजे के संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक प्याजे के संदर्भ में, जिन्होंने अधिगम की अपनी एक पूरा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने इस बात को रखा भी और माना भी कि हम बच्चों को अपनी, उनका जब अमूर्त चिंतन शुरू होता है उस वाली स्थिति में ही हमें अमूर्त व्याख्याएं करनी चाहिए। व्याख्यान विधि का महत्वपूर्ण आधार यही है कि वो उस अधिगमकर्ता को उस स्थिति में आ जाने के बाद व्याख्यान के लिए तैयार करती है। तो ये कथन विधि या व्याख्यान विधि के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो हर्बर्ट की जो 5 सोपान हैं जो उन्होंने प्रयोग में किए, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब भी आप अपने लिए व्याख्यान विधि का आयोजन करें, आप अपनी कक्षाओं में व्याख्यान विधि का प्रयोग करें, तो आप इस बात को लेकर तैयारी करें कि आपकी प्रस्तावना क्या होगी। एक बार जब प्रस्तावना तय हो जाती है तो उस प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण आप कैसे करने जा रहे हैं, और प्रस्तुतिकरण करने के लिए के दरमियान के दौरान आपका ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे बड़ी सैद्धांतिक स्थिति से आप जोड़ें, आप तुलना करें, घटनाओं के बारे में तुलना करें, आप दो स्थितियों को एक दूसरे के बरक्स रखकर आप बातचीत अपनी प्रारंभ करें। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि एक स्थिति का दूसरे अनुभव का बच्चे के एक से अधिक के जो अनुभव हैं उन सबको जोड़ते हुए आप अपनी बात को आगे ले जाएं। साथ ही साथ जब आप अपनी व्याख्यान विधि के अंदर इस स्थिति का निर्माण कर लेते हैं जहाँ पर आपने प्रस्तावना का निर्माण किया, प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, सिद्धांत की स्थापना की, साथ ही साथ ये भी देखना और जानना जरूरी है कि हम इसकी पुनरावृत्ति भी करें, यानी कि हम इस चीज़ को दोहराएं भी सही कि जो व्यक्ति है, क्योंकि देखिए व्याख्यान विधि की अपनी सीमाएँ, और ये सीमाएँ इसलिए ही इसके साथ दिक्कत भी करती है, और आवृत्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण बनती है कि शिक्षार्थी तक वो बात कहाँ तक पहुँची, जो आप समझाना चाह रहे हैं वो बात वहाँ तक पहुँची भी या नहीं पहुँची, इसको सुनिश्चित करना यह आवर्ती मूलतः शिक्षकों के लिए, आपकी अपने लिए, ताकि आप ये जान पाएँ कि ये जो है आज की जो व्याख्यान था उस व्याख्यान का कितना हिस्सा बच्चों तक आप पहुँचा पाएँ, और साथ ही साथ फिर आप उसे प्रयोग में भी लें, आप उसे इस तरह के उदाहरण के साथ जोड़कर भी दिखाएं ताकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ उसे जोड़ सके। जब आप ऐसा कर देते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना था कि अगर कोई भी शिक्षक अपनी व्याख्यान करते समय या व्याख्यान पद्धति का इस्तेमाल करते समय अगर इन 5 हिस्सों का इस्तेमाल करेगा तो एक बेहतर व्याख्यान विधि की तरफ बढ़ रहा होगा। व्याख्यान विधि देखिए जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा कि शिक्षण एक उद्देश्य गतिविधि है, सीखना सिखाना किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। व्याख्यान विधि के भी अपने उद्देश्य होते हैं, और इस क्या क्या क्यों हम व्याख्यान विधि के लिए बढ़ते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि हम इस जो जिसे हम व्याख्यान विधि को हम लोग लेक्चर मेथड भी कहते हैं, कथन विधि भी कहते हैं, क्यों बढ़ते हैं, तो उसके पास जो हमारे पास बड़े उद्देश्य हैं उस विधि के लिए, उनमें ये माना जाता है कि ये विधि बच्चों को प्रेरित करेगी और विषय और घटनाओं को स्पष्ट करेगी। जिन विषयों और घटनाओं को लेकर हम जा रहे हैं, यानी कि जो अमूर्त घटनाएँ, अमूर्त चिंतन की स्थितियाँ हम बच्चों के सामने रख रहे हैं, उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए। आप जितना बेहतर स्पष्ट करते हैं आपका व्याख्यान उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता जाता है। साथ ही साथ इन घटनाओं और विषयों की समीक्षा करना, उनके बारे में चिंतन करवाना, ये आपका एक प्रकार से व्याख्यानकर्ता का ये दायित्व बनता है, एक शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी बातचीत में उन घटनाओं के विश्लेषण के लिए, समीक्षा के लिए जगह तैयार करे। साथ ही साथ व्याख्यान विधि विषय का विस्तार भी करती है, और जब आप ऐसा कर पाते हैं जिसमें आप बच्चों को प्रेरित करते हैं, घटनाओं को स्पष्ट करते हैं, घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, बच्चों के अनुभवों के साथ जोड़कर उसको आप रखते हैं और विषय का विस्तार कर रहे होते हैं, तो ये सब कह सकते हैं कि हम लोग उस विषय के साथ एक प्रकार से न्याय कर रहे होते हैं व्याख्यान विधि के साथ जुड़ते हुए। हम लोग व्याख्यान विधि देखिए व्याख्यान विधि का एक जो बड़ा जो लोकप्रियता का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये माना जाता रहा है अक्सर कि क्यों अक्सर एक शिक्षक व्याख्यान विधि की तरफ बढ़ता है। तो व्याख्यान विधि का जो बड़े फायदे हैं हम लोग देख सकते हैं या अपनी कक्षा में समझ सकते हैं, वो ये कि प्राय ये माना जाता है कि कम लागत की विधि है, यानी कि इसमें कम तैयारी के साथ या यूँ कह सकते हैं कि कम संसाधनों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो एक प्रकार से कम लागत की विधि है, और इस विधि में हम बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों से बात कर सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी कक्षा को आप एक साथ
आप अपनी बातचीत उनके साथ रख सकते हैं। इसमें कोई बहुत छोटे समूह बनाने की चिंता नहीं होती है, बच्चों को ज़्यादा बातचीत कराने के लिए जगह नहीं दी जाती है, पर यह है कि एक बड़ी स्थिति बड़ी कक्षा में हमें कई सारी शिक्षार्थियों को इसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। और अगर हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधन न्यूनता की स्थिति में हमारे विद्यालय हैं, तो हम कम संसाधनों के साथ कम उपकरणों के साथ भी हम लोग व्याख्यान विधि के जरिए हम अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी चिंता जो अक्सर हमारे शिक्षक साथियों में होती है वो ये कि पाठ्यक्रम की पूर्णता इस विधि के द्वारा सुनिश्चित हो जाती है। आपके पास जो आपका पाठ्यक्रम है जिसको आप निर्धारित समय में पूरा करना होता है, एक बड़ी चिंता होती है। तो ये भी एक लोकप्रियता का कारण है इसका, और ये जो इसके लाभ हैं बेसिक मूलतः ये लाभ जो इसकी लोकप्रियता को बढ़ाते हैं। तो पाठ्यक्रम की पूर्णता अपने आप में ही व्याख्यान विधि की लोकप्रियता को बढ़ाने वाली होती है। और जो सबसे मजबूत बात यह है कि हमें इसमें अक्सर शिक्षक को अन्य प्रकार की सहायक सामग्रियों की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका अपना व्याख्यान की जो अपनी उसका उसकी प्रस्तावना, उस प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण, सिद्धांतों से जोड़ना, तो यही अपने आप में यानी कि जो एक टेक्स्ट है, जो अपने आप में जो विषय वस्तु है, वही उसकी सहायक सामग्री बन जाती है। सहायक सामग्री के रूप में हम ये कह सकते हैं कि दूसरी प्रकार की जो स्थितियां हैं कि हमें अन्य प्रकार की सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना ये आवश्यक नहीं हो जाता। हाँ, पर ये कर सकते हैं, हम हमारे व्याख्यान में रोचकता के लिए हम उदाहरण डाल सकते हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं, ये ही उसके लिए सहायक सामग्री के लिए एक जगह बन पाती है। साथ ही साथ इसकी कुछ दिक्कतें भी हैं। देखिए, निश्चित रूप से व्याख्यान विधि लोकप्रिय है, आसान है, एक शिक्षक को बहुत सारी दिक्कतों से बचा लेती है, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करा देती है, ये इसके कुछ लोकप्रियता के पैमाने हैं। पर साथ ही साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है इसके साथ वो ये कि इसके अंदर हमारा शिक्षार्थी की भूमिका इसमें बहुत कम होती है, बहुत सीमित होती है, वो अक्सर निष्क्रिय होता है। हम ये भी एक शिक्षक के नाते हम ये भी चिंता नहीं कर पाते, या हम ये भी नहीं देख पाते कि बच्चा जो हमारे सामने जो बच्चा बैठा है वो कितना एकाग्र है और उसने कितना सीखा है, ये कैसे सुनिश्चित होता है, ये बड़ा दिक्कत वाला है इसके साथ। तो व्याख्यान विधि में ये एक दिक्कत है। दूसरी बात ये कि इसको अक्सर ये माना जाता है कि एक प्रकार से ये मतलब वैज्ञानिकता के साथ कम जुड़ाव रख पाती है, ये एक प्रकार से गैर वैज्ञानिक विधि है। गैर वैज्ञानिक से मेरा यहाँ तात्पर्य ये है, ये बताना चाहूँगा मैं आपको, वो ये कि तार्किक चिंतन के लिए इसमें जगह नहीं है, करके देखने के लिए इसमें जगह नहीं है, आपका जो अनुभव है उसको खारिज करने के लिए या स्वीकार करने के लिए इसमें एक बेहतर जगह हम लोग नहीं दे पाते। साथ ही साथ वैज्ञानिकता का जो सबसे बड़ा कारण है या जो पैमाना है वो ये कि कार्य कारण संबंध, घटनाओं के बीच में हम संबंधों को खुद की मदद से आपके प्रत्यक्ष अनुभव के साथ आप नहीं देख पाते। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन को कम बढ़ावा देती है। दूसरा, वैज्ञानिक चिंतन को कम बढ़ावा देने के कारण हम ये भी मान सकते हैं इसमें कि हमारे शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभव, उनका पूर्व ज्ञान इस व्याख्यान विधि में नहीं समेट पाते, व्याख्यान विधि के साथ नहीं जुड़ पाता। तो ये पूरा का पूरा मिलकर कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो वैज्ञानिक विधि है, ये जो व्याख्यान विधि है उसको थोड़ा सा सीखने के लिए प्रभावी नहीं बना पाती। दूसरा, एक तरह से ये सभी व्याख्यान विधि के साथ की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि इसमें व्याख्यानकर्ता यानी शिक्षक, अगर आप अपनी कक्षा में व्याख्यान विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप व्याख्यानकर्ता के रूप में हैं वहाँ, तो व्याख्यानकर्ता सभी बच्चों की आपत्तियाँ, सभी बच्चों के सुझाव, सभी बच्चों के मत इसमें शामिल नहीं कर सकता। और एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि इस तरह की व्याख्यान मतलब इस तरह की गतिविधि गैर भागीदारी मूलक है, उसमें सभी बच्चे भाग नहीं ले पाते हैं, और इस नाते उनकी कक्षा में उनकी ही गतिविधियाँ हैं, उन्हीं के लिए पढ़ाया जा रहा है, फिर भी उनकी भूमिका नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अलोकतांत्रिक गतिविधि है। यहाँ उसी तरह से जब अलोकतांत्रिक गतिविधि है, बच्चों की भागीदारी के लिए कोई जगह नहीं है, तो वहाँ पुनः शिक्षक की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो ये भी मान सकते हैं कि व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शिक्षक की सत्ता महत्वपूर्ण बनती है। जैसा कि मैंने बताया, वो बच्चों की भागीदारी नहीं होती है। आप भी अपनी कक्षाओं में देखते होंगे, जब आपको आप व्याख्यान करते हैं तो बहुत कम बच्चों की आवाज़ें आप सुन पाते हैं। तो जब उनकी आवाज़ आप नहीं सुनेंगे तो बच्चों से फीडबैक लेना कि आपकी कक्षा आज की कैसी थी, उन्हें कितना समझ में आया, उनके लिए कितनी आनंददायी बनी या बनी भी या नहीं बनी, इनको जानने के लिए आपके पास व्याख्यान विधि की में कोई जरिया नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है। क्योंकि आप ये उम्मीद करके चलते हैं कि जो व्याख्यान करता है वो जो बता रहा है वो वैसा का वैसा वहाँ पहुँचेगा, ये एक तरह से नामुमकिन सी बात है। दूसरा, सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए, क्योंकि हमारा सरोकार प्राथमिक कक्षाओं के साथ होता है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक होता है, तो बड़ी कक्षाओं में तो आप कर सकते हैं ये,
बड़ी कक्षाओं में तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर छोटी कक्षाओं में इसको मतलब इसका इस्तेमाल करने में बड़ी सावधानी बरतनी होती है। तो इस नाते हम ये भी कह सकते हैं कि ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए बहुत सार्थक नहीं है। और इन सब गतिविधियों और सीमाओं की वजह से ये माना जा सकता है कि व्याख्यान विधि जो है वो पठन पाठन के लिए उतनी प्रभावी नहीं है जितनी हमारे पास शिक्षक केंद्रित के अलावा जो दूसरी विधियाँ थी, जिसमें प्रदर्शन विधि भी जोड़ सकते हैं या आगमनात्मक विधि जोड़ सकते हैं, ये विधियाँ ज़्यादा प्रभावी है वनस्पत व्याख्यान विधि के। तो जैसा कि अभी पूरी बातचीत में निकल कर आया कि हम ये व्याख्यान विधि जो है वो व्याख्यान विधि में हम अपने श्रोताओं को, अपने शिक्षार्थियों को उस पूरी गतिविधि में शामिल नहीं कर पाते, और इस कारण से व्याख्यान विधि अपने आप में एक तरह से सीमित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही काम कर पाती है। तो पूरी बातचीत में मैं अब थोड़ा सा ही समझाना चाहूँगा आपको अंत में कि व्याख्यान विधि जब भी शिक्षक अपनी कक्षा में, जब भी हम लोग अपनी कक्षा में जाएं, तो हम ये तय करें कि आज हमारे पास क्या उद्देश्य है, आज हमारी पाठ्य पुस्तक का कौन सा हिस्सा आज हम लोगों को बातचीत के लिए रखना है, और इस बातचीत में रखने के लिए हम बच्चों के किन अनुभवों को शामिल करने जा रहे हैं। अगर हम इनको भी पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से अगर हम काम करके अपनी कक्षा में जाते हैं, और भले ही हमें व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करना हो, तो व्याख्यान विधि की जो कुछ ताकतें हैं जो मैंने आपको बताई कि व्याख्यान विधि की कुछ अपनी लोकप्रियता के जो बड़े कारण हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कक्षा को बेहतर बनाने के लिए। हम उनके ही अपने उदाहरणों के साथ जोड़ सकते हैं, या व्याख्यान विधि के अंदर ही बीच बीच में हम ग्रुप में छोटे छोटे समूहों के साथ बातचीत करते हुए हम उनकी बातों को या उनकी आपत्तियों को या उनकी अपनी समझ को एक बार सुन सकते हैं। जब हम अगर ऐसा कर रहे होंगे तो व्याख्यान विधि का जो आपके पास एक जो छोटी कक्षाओं के साथ जो दिक्कत है, जो छोटी कक्षाओं में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो शायद हो सकता है कि व्याख्यान विधि उस रूप में हमें आगे बढ़ाए और हमें ये बताए कि व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करते हुए भी हम एक सार्थक और सकारात्मक शिक्षण विधि की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत में अब हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी विधि का निर्धारण यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि कोई भी विधि एक अंतिम विधि नहीं है। हर विधि की अपनी सीमाएँ होती हैं और हर विधि की अपनी लोकप्रियता के या उसकी कुछ खास काम करने की उसकी वजह हो सकती है। कोई भी विधि का चयन तब किया जाना चाहिए जब विषय की मांग हो। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि विषय वस्तु की मांग, विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु का स्वरूप ही तय करता है कि हमें किस प्रकार की विधि का आज के शिक्षण में इस्तेमाल करना है। तो व्याख्यान विधि की जब जरूरत है तो आप व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करिए। व्याख्यान विधि के इतर अगर किसी और विधि की जरूरत है तब आप उसका और इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह भी संभव है कि एक ही विषय को पढ़ाते समय, एक ही विषय पर बातचीत करते समय आप एक से अधिक विधियों का भी इस्तेमाल करें। हो सकता है कि कोई विधि एक क्षेत्र में कारगर है, कोई विधि दूसरे क्षेत्र में कारगर हो, पर जब भी आप इन सब के बारे में बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सभी विधियाँ कुछ खास तरह की पूर्व तैयारी की आपसे मांग करती है, यानी कि पूर्व अनुभवों की मांग करती है। और पूर्व अनुभव हमारी कक्षा के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 भी इस बारे में बात करता है कि ये कक्षाएं बच्चों के लिए हैं, और एक शिक्षक भले वो किसी भी विधि का इस्तेमाल करे, एक शिक्षक की भूमिका वातावरण निर्माण की होनी चाहिए। एक शिक्षक की भूमिका एक लोकतांत्रिक व्यक्ति की होनी चाहिए, जहाँ पर वो सभी बच्चों की भागीदारी को अपनी कक्षा में इस्तेमाल कर सके और अपनी सत्ता को, एक शिक्षक का दायित्व ये बनता है कि शिक्षक अपनी सत्ता को जितना न्यून करता जाएगा, जितना नगण्य बनाता जाएगा, आप ही खुद भी इस बात को पाएंगे, आप अपनी कक्षा में अनुभव कर सकते हैं कि आपकी सत्ता का न होना बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण का एक प्रकार से पैमाना बन जाता है। जब आपके पास ऐसा होगा तो आप देखिए कि बच्चे आपकी कक्षा में आपको बताएंगे कि सर आपने ये अच्छा किया, गुरुजी आपने इसको आज बहुत अच्छे से बताया, या आप ये नहीं कर पाए, और आप इनको अपने मूल्यांकन के लिए शामिल कर सकते हैं कि एक विधि से भले वो व्याख्यान विधि ही थी, पर उसमें आपने इस तरह से उसका रचना व्यू रचना की जिसके अंदर आपने ये पाया कि आपने व्याख्यान विधि की सीमाओं को लगातार कम किया, आप लोकतांत्रिक भी होते गए, आपने अपनी सत्ता, आपकी जो शिक्षक की सत्ता थी उसको लगातार कम भी किया, आपने फीडबैक के लिए जगह भी रखी। साथ ही साथ जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके श्रोता, आपके शिक्षार्थी अब बेहतर भूमिका निभा पा रहे हैं, आपको एक बेहतर फीडबैक दे पा रहे हैं, और उस फीडबैक के जरिए आप अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मजबूत बना रहे हैं। और ये मजबूत बनाना ही निश्चित रूप से एक सार्थक शिक्षक और सार्थक शिक्षण और सार्थक शिक्षार्थी को अपने आप में एक तरह से पल्लवित और पुष्पित कर देता है। तो कहना ना होगा कि व्याख्यान विधि जो कि ये मानी जाती है कि बड़ी कक्षाओं के लिए
अब आप ये सोच सकते हैं कि आप उसे कैसे अपनी कक्षाओं में इस्तेमाल करेंगे, किस तरह की गतिविधियों के साथ आप उसे जोड़ेंगे। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो व्याख्यान विधि की सीमाओं को लगातार कम करते हुए उसकी लोकप्रियता को आप और बढ़ाएंगे। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप आज की इस बातचीत में जहाँ आपने इस बात को जाना कि अधिगम क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की अपनी कौन कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं और शिक्षण के अंदर कौन से दो मोटे प्रकार के शिक्षण हमने समझे जो बताए मैंने, शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित, तो उनके अंदर कितने कितने प्रकार की विधियाँ उसमें शामिल होती है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। साथ ही हमने ये भी जाना कि व्याख्यान विधि की क्या व्याख्यान विधि की को किस तरह से हम परिभाषित करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जान पाए आज की इस पूरी बातचीत में कि व्याख्यान विधि के क्या फायदे हैं और व्याख्यान विधि किन स्थितियों में बेहतर काम कर पाती है और किन स्थितियों में बेहतर काम नहीं कर पाती है। और अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी कक्षा में एक सार्थक और एक बेहतर और आनंददायी रोचक शिक्षण अधिगम को संभव बना देते हैं। धन्यवाद।